एमसीक्यू मिलने वाले हैं अगले कुछ मंथ्स के लिए जिसके बेसिस पे आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा एंड ये जो एक्सप्लेनेशन होंगे एमसीक्यू के साथ उसके बेसिस पे आप अपने को क्लियर कर सकेंगे तो फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उसके साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर परचेज मेथड एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट असेट्स ऑफ द ट्रांसफररर कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज एज तो ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है देखो हम अगर नेट असेट्स मेथड की बात करें या नेट पेमेंट मेथड की बात करें कोई भी मेथड की बात करें परचेज मेथड के अंदर जो हम सॉल्व करते हैं फॉर कैल्क्युलेटिंग दी परचेज कंसिडरेशन वी आर हैविंग फोर टाइप्स ऑफ मेथड नंबर वन इज नेट असेट्स नंबर सेकेंड इज नेट पेमेंट नंबर थर्ड इज इंटरेंसिक वैल्यू एंड नंबर फोर्थ इज लमसम मेथड सो अगर आपका क्वेश्चन में क्या बोला है अगर आपका जो नेट असेट्स है क्या है अगर आपका नेट असेट्स जो है अगर आपका नेट असेट्स अगर बड़ा है असेट्स की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है और लाइबिलिटीज टेकन ओवर जो है वो कम है असेट्स बड़े हैं और लाइबिलिटीज टेकन ओवर कम है तो इसके बेसिस पे जो तो डिफरेंस आपको मिलेगा वॉट इज द डिफरेंस कॉल्ड ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे तो काफी सिंपल है देखो सबसे सिंपल तरीके से बताता हूं अगर आपके असेट्स बड़े हैं असेट्स का अमाउंट ज्यादा है और लाइबिलिटीज का अमाउंट कम है तो हमें बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी साइड मिलेगा एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व और अगर हमारे असेट्स कम है और लाइबिलिटीज ज्यादा है तो उस केस में जो डिफरेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड एज गुडविल ठीक है काफी सिंपल है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो

अंडर परचे मेथड परचेस मेथड में एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ दर्चेसिडरेशन आपके परचेस कंसिडरेशन का एक्सेस मतलब कंसिडरेशन कहा लिखते हैं हम हम परचेस कंसिडरेशन क्रेडिट साइड लिखते हैं बिजनेस परचेस तो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट ज्यादा है और नेट असैट एक्वाड आपके कम है उसके केस में जो भी बैलेंसिंग फिगर मिलेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट नेक्स्ट पॉइंट अमाल रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर्स तो अमालगमेशन के लिए इसका अप्रूवल जरूरी है हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर्स तो अमालगमेशन के लिए हाईकोर्ट का अप्रूवल जरूरी है तो ध्यान रखना फॉर अमालमेशन अप्रूवल विल बी ऑफ हाईकोर्ट नेक्स्ट इज दउंटिंग स्टैंडर्ड अमाल ऑफ कंपनीज इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन ध्यान रखना काफी important point है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि अमाल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है तो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ए एस फोर्टीन तो ए एस फोर्टीन रिलेट्स विद amalgamation, मर्जर absorption, acquisition। फर्दर ध्यान से

ट्रांसफर्ड नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज रिलेटेड विद दी ओल्ड कंपनी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट न्यू कंपनी अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट या प्रेफरें होल्डर्स अकाउंट ध्यान रखना इसमें हम ओल्ड कंपनी के लेजर्स बनाते हैं ओल्ड कंपनी में लेजर्स बनते हैं काफी सारे लेजर्स होते हैं ओल्ड कंपनी में लेकिन अगर हम दो लेजर की बात करें जो इंपॉर्टेंट है तो एक होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट इससे सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं एंड सेकेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कौन सा होता है सेकेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में या तो हमें प्रॉफिट होगा या या तो हमें लॉस होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो हम हमारे सेकेंड लेजर में ट्रांसफर करते हैं एंड दिस सेकेंड लेजर इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो रियलाइजेशन में हम कहा ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ए लिमिटेड वॉज एक्वायर्ड बाई बी लिमिटेड देन परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड फॉर दिस इज कंसेप्चुअल एमसीक्यू तो अगर आपके इस चैप्टर के कंसेप्चुअल बेस क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं काफी ईजी है लेकिन यहाँ पे जो चीजें इजी होती है उसी में हमको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होता है और हमें आता है लेकिन हम गलत इसको टिक मार्क कर लेंगे या गलत मार्किंग कर लेंगे तो गलत हो जाएगा तो ध्यान से ए लिमिटेड वाज एक्वायर्ड बाय बी लिमिटेड तो आपको वर्डिंग्स ध्यान से पढ़ने हैं ए लिमिटेड वाज एक्वायर्ड वॉज एक्वायर्ड बाई बी लिमिटेड ध्यान से आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ देखो एक है हमारा ए लिमिटेड और दूसरा है हमारा यहाँ पे बी लिमिटेड तो ए लिमिटेड बोल रहा है वॉज एक्वायर्ड मतलब ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया बी लिमिटेड ने तो ये बी लिमिटेड ने क्या किया ए का बिजनेस एक्वायर कर लिया ए ने बी को एक्वायर नहीं किया है बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर किया है वर्डिंग ध्यान से पढ़ना है ए लिमिटेड वॉज एक्वायर कर लिया मतलब बी लिमिटेड बनेगा न्यू कंपनी और ए लिमिटेड को एक्वायर्ड कर लिया तो ए लिमिटेड क्या बनेगा ए लिमिटेड विल बी कॉल्ड एस ओल्ड कंपनी और आपको बेसिक याद रखना है जो भी ओल्ड कंपनी होता है उसी का हम परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स आर यूजुअली गेटिंग कंफ्यूज परचेस कंसिडरेशन किसका होता है परचेस कंसिडरेशन इज ऑलवेज कंपनी इज वाई परचे इज कैलकुलेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा फिर ओल्ड कंपनी कौन है यहां पे जिसका परचेस कंसिडरेशन ढूंढेंगे तो ए लिमिटेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू

न्यू कंपनी सी लिमिटेड तो सी लिमिटेड जो फॉर्म हो रही है यहाँ पे एक न्यू कंपनी है और ए लिमिटेड हमारे लिए ओल्ड कंपनी होगी बी लिमिटेड भी हमारे लिए ओल्ड कंपनी होगी तो परचेस कंसिडरेशन हमें ओल्ड का कैलकुलेट करना पड़ता है ए लिमिटेड का भी परचेस कंसिडरेशन होगा बी लिमिटेड का भी परचेस कंसिडरेशन होगा ऐसे कंसेप्ट को क्या बोला जाता है एक्विजिशन एब्सॉप्शन मर्जर या परचेज आई होप यू है इसका राइट आंसर है मर्जर तो इसे क्या बोला जाता है मर्जर नेक्स्ट पॉइंट इफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाई ओल्ड कंपनी ठीक है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है ओल्ड कंपनी पे कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट अगर परचेस कंसिडरेशन के रिलेटेड अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो ओल्ड कंपनी भरेगा तो इसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इसका एंट्री क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फिलहाल यहां पे पूछा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा रियलाइजेशन गुडविल या कैपिटल रिजर्व यही अगर न्यू कंपनी अकाउंट भरेगा तो एंट्री क्या होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक ठीक है दोनों केस में बैंक क्रेडिट ही होगा बिकॉज बैंक डेबिट हो ही नहीं सकता तो क्योंकि लिए यहाँ पे एक वर्ड है पेड तो मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताया था सेमिस्टर फाइव में कि जहां पे भी पेड वर्ड आएगा वहां पे बैंक हमेशा क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड वेन वी आर यूजिंग अ वर्ड पेड राइट आंसर इसका बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं द बैलेंस ऑफ होल्डर्स अकाउंट इन ओल्ड कंपनी इज ट्रांसफर्ड टू सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट ओल्ड कंपनी में हमें लेजर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं तो जो भी हम लेजर्स प्रिपेयर करते हैं उसमें एक प्रेफरेंशियर होल्डर्स का भी लेजर होता है तो वो प्रेफरेंसर होल्डर्स का जो लेजर है उसको जब हम क्लोज करते हैं तो वहां से जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है वो हम कहा ट्रांसफर करेंगे अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो कहाँ ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट इन ओल्ड कंपनी इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्नल एंट्री फॉर पीसीड्यू पीसी इज परचेज कंसिडरेशन ड्यू तो इनमें से कौन सा जर्नल एंट्री है परचेस कंसिडरेशन ड्यू का देखो किस तरीके से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं हम ये देखेंगे कि आपके सारी चीजें जो एक एक चैप्टर से रिलेटेड है वो रिवाइज हो जाए बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसेप्ट क्लैरिटी इफ द कंसेप्ट इज क्लियर यू कैन आंसर एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज कोई भी एमसीक्यू को तो आप आंसर कर सकोगे तो इसमें से जो परचेस कंसिडरेशन ड्यू का एंट्री क्या होगा लिक्विडेटर टू रियलाइजेशन बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू बिजनेस परचेस या बिजनेस परचेस टू न्यू कंपनी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम परचेस कंसिडरेशन ड्यू की बात करें तो एंट्री होता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट क्या होता है एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी क्या होता है एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी यहाँ पे हम जो भी हमारे परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट होगी वो लिखेंगे तो इसमें हमारा राइट right आंसर क्या बनेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी फ्रॉम दिस वीडियो टेलीग्राम चैनल कर ले लास्ट मिनट विद आर एस एम काफी आपको उसमें अपडेट्स मिलते रहेंगे ऐप uh, भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ऐप का ऐप में भी आपको काफी सारे वीडियोस फ्री है वहां पर भी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसी क्यूज वहाँ पे सारे अपलोड हो रहे हैं और ये जो पीडीएफ है मैं ऐप में भी शेयर करने वाला हूं तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर ले और उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते रहेगा टाइम टू टाइम दट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले आपको अगले बार वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे थैंक यू बाई बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर